तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ कर रहे होते हैं, शायद से उस लड़की के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की का पास्ट जहाँ पर वो अच्छे से एक जगह पर यानी कि एक सिटी पर घूम रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ होता है जिसके कारण से सब लोग गायब हो जाते हैं, उसके अपने भी वहाँ पर ही गायब हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है वही लड़की को जो कि अपना आँख खोलती है, और फिर से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि रेडी हो रहा होता है किसी काम के लिए, और फिर से पारा जाता है उसी लड़की के ऊपर, और इधर वो एक जगह पर होती है और इधर वो दुखी भी होती है। तभी वहाँ पर एक रेड लड़की द्वारा कुछ आता है और वहाँ पर दो यानी तीन लोग आ जाते हैं, इधर वो लोग बोलने लगते है आओ हमारे साथ चलो, लेकिन वो लड़की उनसे डर रही होती है। और अभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी उन दोनों उसे लेकर जाने वाले थे यानी कि उस लड़की को जाने वाले थे, उन दोनों को मार देता है यानी कि शायद से बेहोश कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना फेस दिखाता है जहाँ पर उसका नेम होता है टकुया, और जब हमें दिखाया जाता है वो दोनों यानी कि वो लड़की और वो एक साथ ही जाने लगते है, तभी उनके आगे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि उन लोगों को करने के लिए आए थे। और तभी वो सोचता है यानी कि क्या सोचता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत पर पड़ चुके हैं, और इधर वो एक टैंकी उठाता है और इधर वो ग्लास को यानी कि शीशे को फोड़ कर वहां से भाग जाता है, उसके साथ वो लड़की भी वो लेकर आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का यानी कि ताकुया और इधर वो लड़की, और उस लड़की का नेम है यूकी, और इधर ताकुया बोल रहा होता है मैं तुम्हें डिलीवर करने के बाद मेरा काम यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब तक तुम शांत रहना समझ गई। और इधर हमें दिखाया जाता है वही लड़की यानी कि यूकी को जो कि कुछ सोच रही होती है, और तभी वो देखती है हेलीकॉप्टर को यानी कि एक उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, और तभी ताकुया भी देख लेता है और इधर वो अपना स्पीड बढ़ाता है यानी कि अपना स्कूटर का स्पीड बढ़ाता है, और तभी वो देखता है एक आदमी को जो कि कुछ अलग तरह का दिख रहा था, लेकिन इधर ताकुया उसके पास ही चला जाता है, और फिर वो जब पास से चला जाता है वो उसे घूरने लगता है लेकिन उधर कोई भी नहीं होता है। तभी हमें दिखाई पड़ता है कि वो आदमी ताकुया के स्कूटर पर यानी कि जहाँ पर ताकुया स्कूटी को चला रहा था वहाँ के ऊपर आ जाता है यानी कि उसके हाथों के ऊपर, और जब उसे कुचलने लगता है यानी कि उसके उंगलियों को कुचलने लगता है, और जब ताकुया का स्कूटर का बैलेंस टूटने लगता है तभी यूकी कुछ करने लगती है जिससे उसका पौड़ा निकलने लगता है, और उधर कुछ पावर एनर्जी की तरह कुछ आने लगता है जो कि उस आदमी को कुछ करने लगता है, और इधर वो आदमी वहाँ पर गायब हो जाता है। ये सब देख कर ताकुया शॉक्ड हो रहा होता है, और फिर हमें देखते हैं एक ट्रक को जो कि बहुत तेजी से जा रहा होता है, और तभी ताकुया को दिखाई देता है जो कि एक हेलीकॉप्टर को देख लेता है जो कि उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, तब वो सोचने लगता है कि वो अब कैसे बचेगा, लेकिन हमें दिखाई देता है वही ट्रक जो कि उन लोगों के आगे होता है, और इधर वहां से एक आदमी करके बोलता है जल्दी इधर आ जाओ, और इधर ताकुया भी अंदर चला जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने ताकुया को उस लड़की को लाने के लिए बोला था। इधर वो ट्रक अपना दरवाजा बंद करके वहां से पीछे जाने लगता है, और इधर हमें दिखाई देता है वही जो उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है हेलीकॉप्टर से वो लोग देखने लगते हैं कि वो लोग गायब हो चुके हैं, और इधर वो लोगों को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है, और इधर में देखते हैं उसी ट्रक के अंदर जहाँ पर वो आदमी रुकी ताकुया को अंदर आने बोला था वो उस लड़की को देखने लगता है। और फिर हमें देखते हैं ताकुया उन लोगों को पूछ रहा होता है वो लोग कौन थे जो लोग उन लोगों के ऊपर अटक रहे थे यानी कि ताकुया के ऊपर और उस लड़की के ऊपर अटक रहे होते हैं थे, और इधर और जब वो आदमी बोलने लगता है यानी कि उसका नेम है इजी जो कि साइंटिस्ट की तरह दिख रहा था, और जब वो बोलता है लॉस के 3 साल के बाद यानी कि जो यूकी के साथ हुआ था जहाँ पर सारे लोग गायब हो गए थे उसके 3 साल के बाद, और उसी लॉस में यानी कि जो सिटी गायब हो चुकी थी उस जगह के सिर्फ यही लड़की बच चुकी थी, लेकिन वो बोलते है उसके फादर का एक मैसेज उन लोगों के पास है और उसने लिखा हुआ होता है कि यानी कि यूकी को लिखा हुआ होता है कि तुम जल्दी ही लॉस पर आ जाओ वापस, और ये सब सुनकर ताकुया बोलता है उसका कम अप हो गया है यानी कि उसने उस लड़की को यानी कि यूकी को वहाँ पर ले आया है, और इसके बाद उन लोगों का काम है, और वो बोलता है मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना, और इधर वो जाने ही लगता है तभी वो बोलता है यानी कि इजी बोलता है इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए तुम्हारा एक और काम है, तुम्हें इस लड़की को यानी कि इसे उस लॉस पर ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसके फादर ने उसे लिखा यानी कि उसे एक मैसेज दिया था, और इधर मैसेज का नाम सुनते ही क्योंकि उसमें आ जाते हैं, और इधर वो पूछने लगती है मेरे फादर कहाँ है, और इधर वो बोलने लगता है यानी कि इसी बोलने लगता है ये मैसेज करीब 3 साल पहले ही आया था तो कोई रिस्क नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन तुम एक बार देख कर आओ, और इधर अजय तक कोई बोलता है मैं करूँगा लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे भेजना पड़ेगा तुम लोगों को,
और इधर किसी बोलता है क्यों नहीं भेजेंगे, तुम सिर्फ अपना यानी कि हमारा काम करते जाओ। और इधर ताकुया को दिखाया जाता है यानी कि ताकुया जाने वाला होता है, तभी युकी रो रही होती है क्योंकि अपने फादर के बारे में याद आने लगता है। और इधर दिखाया जाता है ताकुया और युकी एक साथ ही उसी स्कूटर से एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि शायद से ताकुया का दोस्त होता है और उसका नाम गीक है। और जब वो आकर बोलता है तुम इधर क्यों आ गए, क्या तुम्हारा काम हो गया। और जब वो देखता है ताकुया के पीछे एक लड़की है और जब वो बोलता है तुमने क्या इसे किडनैप करके लाया है। और जब ताकुया बोलता है शायद से हाँ। और इधर ये बात सुनकर वो बोलता है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और इधर वो बोलने लगता है कि मुझे कुछ चाहिए था। और इधर मुझे कहते थे गीक उस स्कूटर को ठीक करने लगता है। और इधर युकी कुछ पोस्टर को देखने लगती है जो कि एक सिंगर के थे। गीक पूछता है क्या तुम दोनों ही डेट करने के लिए जाओगे। ताकुया बोलता है कि वो कोई डेट में जा नहीं रहा है, वो लॉसवर जाएगा जो कि 3 साल पहले गायब हो चुका था। और ये बात सुनकर वो शॉक हो जाता है। और इधर वो ताकुया को एक जगह पर बुलाता है और इधर मुझे कहता है कि ताकुया को डांट रहा होता है और वो बोलता है तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम पैसों के पीछे क्या पागल हो चुके हो, जो कि तुम वहां पर जा रहे हो वो कोई भी अच्छी जगह नहीं है। और इधर ताकुया बोल देता है कि ये लड़की यानी कि युकी उस लॉस में ही बच चुकी थी। और इधर गीक बोलने लगता है तुम्हारी हालत तो पहले से खराब है, तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन इधर ताकुया बोलने लगता है कि वो अपना काम करेगा ही क्योंकि उसे अपना डिलीवर यानी कि वो जो ले जाता है वो हमेशा ही डिलीवर करना पड़ता है उसे, उसके कारण से उसे पैसे भी मिलते हैं। और ये सब बातें युकी सुन रही होती है। लेकिन इधर गीक बोलने लगता है तुम तो उसे जानते भी नहीं हो, तब भी तुम उसे क्यों वहां पर ले जा रही हो। लेकिन इधर ताकुया बोलता है मैं उसे जानू या ना जानू लेकिन मुझे अपना काम करना पड़ेगा, वो एक पैकेज है जो कि मुझे डिलीवर करना है। और इधर दिख जाता है युकी को जो कि उन लोगों की बातें सुन रही होती है। और इधर उन लोगों का बातें सुनकर वो दुखी हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शायद से भाग चुकी थी, इसी कारण से एक आवाज आता है। और इधर गीक और ताकुया इस आवाज को सुन लेते हैं और इधर वो लोग उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर गीक काम करता है या फिर उसका वो शॉप था। लेकिन इधर वहाँ पर युकी नहीं होती है। और ये सब देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इधर ताकुया बोलता है वो ढूंढकर आता है। और इधर हमें दिखाया जाता है युकी को जो कि कुछ सोचकर जा रही होती है अपने कुछ पहले के सीन्स को जहाँ पर वो अपने मदर और फादर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और वहाँ पर एक शायद से उसका दोस्त भी था जिसका नाम सोमा था। और इधर वो बोलता है अकीरा जो कि शायद से उन लोगों का सिक्योरिटी या फिर आप लोग कह सकते बॉडी गार्ड था जो कि उन लोगों के घर के बाहर होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो एक टीवी के आगे आ जाती है लेकिन इधर वो टीवी बंद हो जाता है। और इधर वो जा रही होती है तभी वो एक देखती है एक बुढ़िया को जो कि शायद से एक फ्यूचर ट्रेलर था। और इधर वो बोल रही होती है उसके बारे में कि तुम वहाँ पर मत जाओ। और इधर में दिखाया जाता है युकी उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर जाने लगती है। और इधर में दिखाया जाता है ताकुया को जो कि युकी को ढूंढ रही होती है यानी कि ढूंढ रहा होता है। और इधर वो कॉल लगाता है इजी को और इधर वो बोलता है युकी हमें कुछ बातों को सुनकर भाग चुकी है। और ये बात सुनकर इजी बोलता है तुम उसे ढूंढो लेकिन तुम्हारा यानी कि तुम भी अपना ख्याल रखना क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं। और इधर में दिखाया जाता है गीक को यानी कि ताकुया का दोस्त को जो कि सच हैकर के सारी शॉपिंग मॉल को देख रहा होता है या वहाँ पर युकी के ही है ऐसा वो सोच रहा होता है लेकिन उसे कभी भी वो नहीं मिलती है। और इधर में देखते हैं एक लड़की को जिसका यानी कि उसे एक कॉल आता है और वो कॉल क्या होता है ताकुया ने। और इधर वो पूछता है तो एक काम था तुम क्या करोगी। और इधर वो बोलती है हाँ मैं जरूर करूंगी। और इधर वो बोलने लगता है तुम्हें क्या एड्रेस पता है लॉस कहाँ से जाना है। और इधर वो बोलने लगती है हाँ मुझे पता है। और इधर वो बोलने लगती है इधर में दिखाया जाता है उसके साथ वही आदमी होता है यानी कि जो ताकुया के पीछे होता है वही वहाँ पर भी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है युकी को जो कि एक जगह पर जा रही होती है और इधर वो उस फ्यूचर टेलर बाबा की यानी कि वो बुढ़िया की याद कर रही होती है जो कि उसने बोला था यानी कि वो बोलती है तुम वहाँ पर मत जाना। और इधर वो सोच रही होती है वो कहाँ पर जाएगी क्योंकि वो तो अकेला थी। लेकिन उसने समय पर वहाँ पर आ जाता है ताकुया और इधर वो आकर बोलता है तुम वहाँ से क्यों भाग गई। और इधर हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है तुम ये बात याद रखना तुम्हारे फादर ने ये मैसेज भेजा था और तुम्हें हमेशा ऐसा भरोसा रखना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई और भी बचा होगा और इधर तुम मेरे साथ चल रही हो। इधर में दिखाया जाता है वो उसकी बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है ताकुया का स्कूटी को यानी स्कूटर को और इधर वो बहुत तेजी से चला रहा होता है। इधर उसके साथ होती है युकी और इधर वो दोनों बहुत तेजी से जा रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों के पीछे यानी कि वही हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है जो कि उन लोगों का पहले से ही पीछा कर रहा होता है। लेकिन इधर भी ताकुया ये सब देखकर भी अपना तेजी बढ़ाता है और इधर वो जा रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वही लड़की को जो कि ताकुया ने कॉल किया था और इधर उसके साथ वो भी आदमी होता है। और इधर वो लोग कुछ बुलेट लेते हैं अपनी बंदूक पर और इधर वो लोग उसे लोड कर लेते हैं और इधर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं।
और जब वो हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और जब कोई सोचने लगता है वो लोग इतनी तेजी से अटैक कर रहे हैं, लेकिन इधर वो जाता ही है, तभी उसके आगे आ जाता है वही जो एपिसोड की स्टार्टिंग में उन लोगों को मिला था, यानी कि वही स्कूटर में जो उठा था वही। और जब वो अपनी ताकत से बहुत सारे पत्थरों को उन लोगों के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन इधर टाकुया उस सब को डॉच करके जा रहा होता है, लेकिन इधर वो बहुत सारी ताकत यूज करता है जिसके कारण से बहुत सारे नुकीले कुछ होता है, और वो लोग यानी कि उन लोगों के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे होते हैं। और जब वो आदमी एक बहुत बड़ा पत्थर को हवा में उठाता है और जब वो उन लोगों के ऊपर फेंक देता है, लेकिन इधर वो लोग बच जाते हैं, लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर उन लोगों के पीछे होता है वो उस पत्थर से टकरा जाता है और इधर वो पावर ब्लास्ट हो जाता है। और इधर हमें दिखाई देता है टाकुया जा रहा होता है, लेकिन इधर वो आदमी बहुत सारे नुकीले कुछ होता है, यानी कि कुछ नुकीले रॉड की तरह होता है जो कि उन लोगों के ऊपर वो लोग अटैक कर रहा होता है, लेकिन इधर टाकुया यानी कि टाकुया उन लोगों को यानी कि युकी को बचाने के लिए अपने स्कूटर को आगे ले जाता है, लेकिन इधर उसके ऊपर भी बहुत सारे नुकीले कुछ लग जाते हैं जिसके कारण से उसके सर से खून बहने लगता है। और ये सब देखकर युकी रोने लगती है और इधर वो बोलने लगता है ऐसे कभी हार मत मानना, और इधर वो यानी कि युकी उसे शायद से अपनी पावर यूज करने लगती है जिसके कारण से वो जो अकीरा नाम का वो लड़का था ना, यानी कि वो जो मर गया था उस लॉस में, वो शायद से उसका स्प्रिट ले आती है जिसके कारण से वो बहुत सारी गन्स से उसके ऊपर अटैक करने लगता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, यानी कि टाकुया के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इधर में देखा जाता है अकीरा भी उन लोग यानी कि उस आदमी को रोक नहीं पाता है, लेकिन इधर क्योंकि अपना ताकत फिर से बढ़ाती है जिसके कारण से अकीरा बहुत सारे गन्स को एक साथ ही शूट करने लगता है, उधर वो आदमी मर जाता है। और इधर में देखा जाता है वो लोग बच चुके थे और इधर वो लोग जा रहे होते हैं, और तभी टाकुया बहुत खुश होता है कि उसने सबको बचा लिया, लेकिन इधर उसके आगे आ जाते एक यानी कि एक लड़का आ जाता है और वो अपना पावर यूज करने लगता है जिसके कारण से उसका स्कूटर वापस गिर जाता है, जिसके कारण से टाकुया का स्कूटर वापस गिर जाता है और जब टाकुया बहुत दूर जाके गिरता है और जब लेकिन वो लड़का उस लड़की यानी कि युकी को बचा लेता है, और जब युकी बेहोश थी इसी कारण से उसे वो लोग ले जाते हैं, इधर वो लड़का बोलता है कि वो यानी कि वो लड़का वहां से चला जाता है। और इधर में दिखाई देता है और इधर में दिखाई देता है वही ट्रक को जहाँ पर इजी होता है उसके साथ वही लड़की होती है, और इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं लॉस के बारे में, और उधर वो लड़की बोलने लगती है लॉस बहुत ही खतरनाक जगह है क्योंकि उस जगह पर कोई भी पहुंच नहीं पा रहा है। तेजी बोलने लगता है उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते है क्योंकि वो एक यानी कि वो लड़की एक अच्छी सैंपल है, इसी कारण से उस लड़के कुछ भी नहीं कर सकते है। और जब लिखा जाता है टाकुया को जो कि गिरा हुआ होता है और उसे बहुत चोट भी लगती है, और वहाँ पर वो लड़के आ जाती है। और जब लिखा जाता है वो लोग अपने गन लोड करते हैं और इधर वो वाला सीन नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इधर कोई गन शूट करता है ये आवाज़ आती है और ऐसे ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।